भारतीय जवानों के हौसले सूरज के तीखे तेवर से भी सख्त हैं। ऐसी गर्मी की रेत में अगर पापड़ सेकें तो सिक जाएं। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में भारतीय जवान रेत में पापड़ सेकते नजर आ रहे हैं, जो चंद मिनटों में खाने के लिए सिक्के तैयार भी हो जाते हैं। ऐसी प्रचंड गर्मी में भारतीय जवान देश की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। उनके हौसले आसमान से गिरती आग के आगे भी डगमगाते नहीं, बल्कि देश के जवान हर विषम परिस्थिति में देश की सेवा में जुटे रहते हैं। ये तस्वीर राजस्थान के बीकानेर से सामने आई है। कई किलोमीटर में फैले रेगिस्तान में शहरों की तुलना में ऐसी गर्मी पड़ती है कि जानवर तो क्या, इंसान भी झुलस जाए। यहाँ देश के जवान 50 से ऊपर टेम्परेचर का टॉर्चर झेलते हैं। फिलहाल राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर तापमान 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। वीडियो में एक जवान ये बोलते हुए भी नजर आया कि वो आम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सीमा पर सैनिक किन परिस्थितियों से जूझते हुए देश की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। वहीं इन हालातों को देखने के बाद लोग जवानों के लिए गर्मी में संसाधन जुटाने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि सीमा पर तैनात जवानों को गर्मी से बचाने के लिए वॉच टावर्स पर पहली बार कूलर लगाए जा रहे हैं। बीकानेर बॉर्डर की लंबाई 157 किलोमीटर के करीब है, ऐसे में यहां 150 कूलर लगाए जाएंगे। अब तक 50 कूलर लगाए जा चुके हैं। इन कूलरों में पानी भरने के लिए एक टैंकर भी उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि भीषण गर्मी के कारण इस बॉर्डर पर हर 6 घंटे के बाद जवानों की ड्यूटी बदल जाती है। वहीं हर 2 घंटे में छाछ और नींबू का पानी जवानों को पीने के लिए दिया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।